देवभूमि में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक नशा मुक्ति केंद्र से चार लड़कियां कल गायब हुई हैं और नशा मुक्ति केंद्र की तरफ से प्रयास भी किया, पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पर तहरीर भी दी गई। उनके अभिभावक, उनके माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला था, किस तरीके से देखते हैं आप। सर, मैं कल बात करने वाली थी अपनी लड़की से, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद यहाँ से एक लड़की से बात होती है कि वो खुद अपनी मर्जी से भाग गए, हमारे यहाँ से पूरा मतलब देख रेख थी, उन्होंने चाबी चुराई और यहाँ से निकल गई। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे निकल गई, जब हम वहाँ जब भी लड़की से मिलने के लिए जाते हैं इनकी ऐसे कैसे निकल गई, जब हम वहाँ गए तो चारों तरफ को बंदे हैं, तो जब वे बंदे थे उनके आँखों के आगे से कैसे निकल गई। तो कितने समय से आपकी बेटी यहाँ पर थी नशा मुक्ति केंद्र में? मैंने 24 जून को यहाँ पे उसको भेजा था, उसमें मैं 3 बार उससे मिलने के लिए आ चुकी, लेकिन ऐसी कोई प्राइवेसी नहीं कि उससे मैं बात करूँ, वो मुझे कुछ अपने मन की बताए। मैम, सबसे बड़े सवाल ये है कि जब आपने नशा मुक्ति केंद्र में भेजा और इतने समय से यहाँ पर रह रही थी, अपनी बच्ची के अंदर आपने कितना बदलाव देखा है, क्योंकि देहरादून और जो आसपास के क्षेत्र हैं वो नशे से युवा जो है वो जूझ रहा है। मेरी लड़की के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया, जो इन्होंने कहा था कि ऐसी हो जाएगी, वेट फुल हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं नज़र आया। उसे यहाँ रहना अच्छा ही नहीं लगा। बच्चे अनकंफर्टेबल थे और कुछ ना कुछ ऐसा उत्पीड़न महसूस कर रहे थे कि जिन्होंने भागने का प्रयास करा। एक और उनकी बेटी की माता जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप बताइएगा किस तरीके से देख रहे हैं इस बात को। भैया, सर इतना हम लोग क्या बोलते हैं, अपने सुधार के लिए भेजते हैं नशा मुक्ति केंद्र में बच्चों को, लेकिन यहाँ पर इनका जो ढंग से देख रेख भी नहीं हो पा रही है, ना ये चौकीदारी कर पा रहे हैं, ना ये बच्चों को सुधार पा रहे हैं। हम तो ऐसे बेकार में पैसे फूंक रहे हैं अपना। और कितना पैसा जाता है महीने का आपका? हमारा ऐसे जाता है सर, जैसे कि 3,000-4,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना। इस बीच में आपसे बच्चों से कुछ बात हुई, बच्चे परेशान थे, उत्पीड़न हो रहा था, किस तरीके से, मतलब अब माँ बाप हैं आप, तो बच्चे जाहिर सी बात है तो वो नशे में हो या अपने होश आवास में हो तो बात करते हैं माँ बाप से, माँ से, तो क्या कोई बात हुई इस बीच में ये उनके भागने से पहले? हाँ, बात तो सर होती रहती थी, फ़ोन में बात कराते रहते थी मैडम, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई हम भागेंगे, ऐसा कुछ बताया नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं हमारे को कि हम भागने वाले हैं। तो ये बता रहे थे कि भाई हमने घर आना है। मैंने कहा रुक जाओ 2-4 दिन, फिर घर ले जा लेंगे। आपने क्या प्रयास करा, सिर्फ यहाँ पर बैठ के यहाँ के संचालकों से बात की या पुलिस का भी कोई माध्यम लिया आपने? नहीं सर, अभी कुछ नहीं किया, अभी सीधा हम यहीं आए पता करने। कल शाम की कितने बजे की घटना है मैम? 5 बजे हो गई सर। 5 बजे से लेकर 5 बजे निकल गए थे यहाँ से। पर हमारे पास सर कोई फ़ोन नहीं गया, हमारे पास कोई भी फ़ोन नहीं गया। इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी आपको कल से? जाना चाहिए था, हाँ जी जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। अच्छा अच्छा, इनको सारा पता था कि मैंने अपनी लड़की को किस किस तरह डाला, उसके हिसाब से इनको फ़ोन करना चाहिए था। जब लगातार मैं कह रही हूँ, मैंने कहा मेरी बच्ची ऐसे, मैं हर बात बता रही हूँ कि वो ये कह रही हो, अगर उसके बावजूद भी ध्यान नहीं देगा। फिर लगभग क्या उम्र होगी आपकी बिटिया की? 19 साल सर। आपकी बेटी की? 20 साल है सर। 20 साल। सवाल बहुत बड़े हैं और जाहिर सी बात है जहाँ बेटियों का सवाल होता है तो माँ बाप के अंदर और समाज के अंदर एक घबराहट पैदा होती है, क्योंकि यूथ हैं बच्चे, जवान बेटियां हैं, कोई बड़ी अनहोनी ना हो। यहाँ के संचालक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके का मामला है, क्या वारदात रही, किस तरीके से आप इस चीज़ को? देखिए सर, ये मेरे साथ में हम लोग फैमिलियर के तरीके से यहाँ रहते हैं, कोई टॉर्चर नहीं, कोई किसी तरीके का, कोई उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जी जी। बहुत ही लविंग केयर से रखा गया था इनको, कोई इनके ऊपर ये नहीं था कि बंदिश की कि ये लोग ये नहीं कर सकते, ये यहाँ नहीं कर सकते या वहाँ नहीं बैठ सकते, ऐसा कोई उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं था। ये बात सब लोग जानते कि उनको इस तरीके का कोई हम लोग मानसिक दबाव वगैरह नहीं देते थे। जी जी। ऐसे बस ये अपना नशे को छोड़ने के लिए वजह से इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ था। और कल भी वारदात का अंजाम इन्होंने ग्रुपिंग की वजह से करी। मैम, आपके साथ ये बच्चे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जब लड़की का सवाल आता है, बेटियों का सवाल आता है, तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा और बढ़ जाती हैं। आपके पास आते हैं बच्चे, जो भी आते हैं नशा मुक्त से
नशा से मुकम्मल तौर पे मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कल की वारदात जो आपके सामने घटी है, क्या उन बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज़ पाई गई थी कि वो इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर रहे हो, या उनमें तनाव हो, या वो बेचैन हो किसी टाइप का? ये बेचैनी केवल एक बच्ची के अंदर दिखाई दे रही थी अंजलि, क्योंकि ये कई बार भी उसकी बात भी मैंने कराई, मैंने कहा कोई बात बेटा दिमाग में, बस उसको यही था कि मुझे घर जाना है। तो मैंने कहा बेटा जब तक आपकी मम्मी इस बात की इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी आप जान सकते हो उनसे कि उनकी तबीयत खराब है पिछली 3 महीने से, वो ऑपरेशन भी नहीं करा पा रही, उनका शुगर लेवल बहुत बड़ा हुआ। तो मैंने कहा बेटा जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगी तब आपको ले जाएंगे। मैम अगर बात करें हम आपकी सिक्योरिटी की, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी होती है, जब बच्चे आपको सपोर्ट किए जाते हैं नशे से मुक्ति पाने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी सिक्योरिटी में क्या कमी रही, क्यों मेन दरवाज़ा खुला था, किस तरीके से उन्होंने बरामद किया, उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है और कोई बड़ी वारदात होती है तो उसका सीधा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सर देखिए, पहली बात ये मेन दरवाज़ा जो गेट है वो बंद था, इन्होंने खोला है। जी जी, खुला हुआ नहीं था जी जी, हम अंदर ब्लॉक हो गए थे। अब आप बताइए कि हम खोल के कहते, क्योंकि चाबी भी हमारे पास नहीं थी, चाबी भी उनके साथ चले गए वो। जी जी। और कितना समय हो गया मैम इस नशा मुक्ति केंद्र को चलाते हुए? आप आई थिंक 6 मंथ, अब हमारे 18 अगस्त को हो जाएंगे अभी 6 महीने। जी जी जी। तो पुलिस कार्रवाई में किस तरीके की बात देखते हैं? आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि बेटियों का मामला है और अभी कल 5 बजे से लेकर अब तक काफ़ी समय गुजर चुका है, कोई बड़ी घटना ना, उसको देखते हुए कैसे देख रहे हैं आप? हमने उनको कंप्लेन लिखवा दी, उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह जो भी उन्होंने फॉर्मेलिटी थी वो सारी उन्होंने हमसे ले ली है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर उन्होंने ये मुझे अभी आशीष उनियाल रविन जी ने ये बोला कि आप जा रहे हो, आपके पास में कोई पेरेंट्स का कोई फोन या जी जी जी, उन्होंने कहा कि वहाँ से अगर आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती आप तुरंत हमें बताएंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है सर, मैं आपको तुरंत बताऊँगी और जितना प्रयास हमारे हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो जो है उनको आपको प्रोवाइड करें, जैसे कि हम लोग क्लू मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जहाँ जाके हम पुलिस की अभी तक क्या गतिविधि देख रहे हैं अभी तक, क्योंकि तकरीबन 22 घंटे गुजरने को है लगभग इस वारदात को, होते पुलिस की एक्टिविटीज़ कैसी है, क्योंकि बेटियों का मामला है? वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि वो सिर्फ रिपोर्ट लिख देते हैं और कोई कार्य, मुझे जो मुझे मैं इफेक्ट बताऊं तो मुझे तो यही लग रहा है उनको देख के, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग जिस हिसाब से हमारी पूरी रात इस बात से बेचैनी से रही कि बच्चे का कहीं से क्लू मिल जाए। मैं उनके पेरेंट्स को यही सांत्वना दे सकती थी कि आपके पास में अगर कॉन्टेक्ट करता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए। अपनी संस्था द्वारा, अपने समूह द्वारा, आप अपने द्वारा क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कोई टीम लगाई है, कोई आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी? रात में सर, रात में हमने अपनी टीम को भेजा जहाँ पे हमें ये लगता था कि ये शायद हो सकता है एक जगह पहुँचे हों, वहाँ ये लोग घूम घाम के आए, उन लोगों से बात करी, पर लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं थे, ये लोग फिर वापस आ गए, ISBT गए ये लोग, ISBT वहाँ पे भी उन्होंने चेक कि हो सकता है बस से कहीं ये लोग निकल ना जाए, पर वहाँ पे कोई नहीं मिला उन्हें को वहाँ से। फिर ये लोग वापस हमने मेरा फ़ोन किया क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ गई थी, यहाँ पर ये क्लेमेंट टाउन ये अभी किसी ने भी चारों संपर्क भी नहीं करा किसी तरीके से, आपको दोनों को बताएं क्योंकि मैंने लोगों, बल्कि तीनों के तीसरी भी अभी आने वाली हैं, उनसे भी आप बात कर लीजिएगा, इन लोगों ने अपने घर में संपर्क नहीं किया। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि नशा यूथ के अंदर नस नस में बसता जा रहा है, कहीं ना कहीं कमी है शासन प्रशासन की, क्योंकि खुलेआम नशे वृद्धि हो रही है, बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं और केंद्रों के हालात आपने सामने नज़र आ रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बेटियों का सवाल है, बेटियों की अजमत का सवाल है, बेटियों की इज्जत का सवाल है। अगर कोई बड़ी घटना घटती है इन 4 बेटियों के साथ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आने वाला सवाल बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं गुड्डू अंसारी और नौशाद सैफी के साथ समाचार इंडिया खबर से लेकर असर तक।